हार हुई है और हार पर होर्डिंग्स के थ्रू जो है तंज कसा गया है। राजनांदगांव में बघेल के विरोध का पोस्टर लगा है। पूर्व कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने ये पोस्टर लगाए हैं। होर्डिंग्स में लिखा है, अहंकार हार गया, जनता जीत गई। राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद इनके द्वारा दिया गया, हारने के लिए धन्यवाद, ये बड़ी बात इसमें कही गई है। तो बता दें, बघेल की हार हुई और हार के बाद ये होर्डिंग से तंज कसा गया। राजनांदगांव में बघेल के विरोध का ये पोस्टर लगा है। पूर्व कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने ये पोस्टर लगाए हैं और होर्डिंग में लिखा है, अहंकार हार गया, जनता जीत गई। राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद भी इन्होंने दिया है। ये पोस्टर देखिए। नहीं, मैं तो भूपेश बघेल जी की नहीं, ये अहंकार के खिलाफ एक लड़ाई थी और इस अहंकार के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको पूरे शहर ने मिल के और मैं कहूँगा पूरे ज़िले ने इस बात को स्वीकार किया और एक अहंकारी को यहाँ से हराकर और वापस भेजा। और इसी तारतम्य में लोगों ने, कुछ चिंतकों ने शहर में कुछ होर्डिंग लगाई है। मैं उनका आपके माध्यम से शहर की जनता का, इस शहर की इस माटी का और उन सारे कार्यकर्ताओं का जो जिन्होंने अपने अपमान का बदला लिया, कार्यकर्ताओं के, जनता के अपमान का बदला लिया, उन सारे लोगों का मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकसभा चुनाव में हार के बाद ऐसे दर्जन भर से अधिक होर्डिंग्स शहर में देखे जा सकते हैं और यह होर्डिंग सीधे सीधे इशारा करता है भूपेश बघेल और सुरेंद्र दाऊ, जो उनके घोर विरोधी थे, जो पूर्व कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ थे, उनके द्वारा यह होर्डिंग शहर में लगाया गया है, उनके समर्थकों के द्वारा यह होर्डिंग लगाया गया है ताकि भूपेश बघेल को सीधे सीधे इसमें टारगेट किया गया है। और उनका कहना है कि जो अहंकार है उसकी हार हुई है और राजनांदगांव की जनता की जीत हुई है। यही वही सुरेंद्र दाऊ हैं जिन्होंने सोमनी के सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट किया था और कहा था कि कांग्रेसियों का कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और सुरेंद्र दाऊ ने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और उनके हार के बाद ऐसे होर्डिंग सीधे संकेत करते हैं कि सुरेंद्र दाऊ और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। राकेश यादव, News18, राजनांदगांव। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये एक के बाद एक जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये साफ तौर से दर्शाते हैं कि भूपेश बघेल ने जैसा व्यवहार उनके साथ किया, इतना समय जैसा व्यवहार उनके द्वारा किया गया, अंदर से वो भरे बैठे थे गुस्से में और वो मौका चाहते थे कि मौका मिले और हम भी तंज कसे। हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि जो यहाँ के कांग्रेस के पूर्व नेता हैं सुरेंद्र दाऊ, उन्होंने भूपेश बघेल की जो ईरा की सोमनी अंतर्गत एक ईरा गांव है वहां एक सभा था, वहां उन्होंने सीधे मंच से, जहां भूपेश बघेल भी मौजूद थे, उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। और उनका सीधे कहना ये था कि इन 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, इन 5 सालों में एक भी कांग्रेस परिवार के जो लोग हैं यहाँ राजनांदगांव के, उनके छोटे से छोटा काम भी नहीं हो पाया है। और इसी पीड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जो भूपेश बघेल के द्वारा की जा रही थी, उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था, इस पीड़ा को उन्होंने उस मंच से बताया। जबकि जो जिलाध्यक्ष हैं साहू, वो उनको रोक रहे थे, सुरेंद्र दाऊ को रोक रहे थे, उसके बाद भी वो सुरेंद्र दाऊ नहीं रुके और अपनी पीड़ा को वहां भरे मंच से उन्होंने कहा। और उनका समर्थन जो नीचे मंच के नीचे बैठे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, उन्होंने भी किया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 44,411 मतों की हार के बाद शहर के अलग अलग स्थानों में एक दर्जन से अधिक होर्डिंग्स लगे हुए हैं और ये होर्डिंग्स में सीधे लिखा गया है कि अहंकार की हार हुई है और जनता की जीत हुई है, राजनांदगांव की जनता का धन्यवाद, राजनांदगांव की जनता ने अहंकारी व्यक्ति को हराकर उनके घर वापस भेज दिया है। और स्लीपर सेल वाली जो बात है वो भी होर्डिंग लगी हुई है राजनांदगांव शहर में, वो भी चर्चा का विषय है। और उसमें कहा गया है कि स्लीपर सेल कौन है, ये राजनांदगांव की जनता ने भूपेश बघेल को बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।
जगदलपुर में लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। एनएमडीसी में स्थानीय किसानों का विरोध यहां पर हो रहा है। 10 पंचायत के किसानों की भूख हड़ताल हो रही है, रोजगार की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहा है। बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार देने के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। सपनों का कारखाना कहे जाने वाले एनएमडीसी प्लांट को लेकर अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। बीते 24 वर्षों से जो प्लांट का निर्माण हुआ, उस प्लांट के निर्माण के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसी मुद्दे को लेकर जो यहां के जो 10 पंचायत के ग्रामीणों ने भूख हड़ताल कर एनएमडीसी को चेतावनी दी है, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो 12 जून को ये गेट में ताला लगा देंगे, यानी कि प्लांट को बंद कर देंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ पंचायत के जनप्रतिनिधि, उनसे बात करते क्या निर्णय लिया गया और क्या आप लोग की मांगे। यदि हमारा क्रमिक भूख हड़ताल अवधि तक हमारा मांगे पूरी नहीं हुई और स्थानीय लोगों को परिवहन का काम नहीं मिला, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, तो हम लोग 12 तारीख को सीधा गेट बंद कर देंगे। क्या मांगे प्रमुख आपके तौर पे? हमारा परिवहन, स्थानीय जो समिति हमारा ना, उसके उसको परिवहन की काम मिले और हम स्थानीय बेरोजगार जो है उसमें काम करें, और भी जो स्थानीय शिक्षित बेरोजगार पड़े हैं रोड में घूम रहे हैं उनको काम मिले यहाँ प्लांट में। अब यूपी बिहार झारखंड कहाँ कहाँ से लाकर पैसा ले लेके पूरा, मतलब जितना बाहरी की कंपनी है ना उनका लाभी, जैसा उड़ीसा से आया है या राजस्थान से आया है जो कंपनियां है ना, सीधा मतलब उनका लाभ ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। खेतों में गंदा पानी जी, जी पानी बहुत जा रहा है, हमला तीसरा नंबर गेट से पूरा गंदा पानी निकल रहा है, पूरा फसल बर्बाद हो गया है और हमारे जीने का कोई जरिया नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ के जो पंचायत के प्रतिनिधियों में काफ़ी आक्रोश है और इनका साफ कहना है कि ये आखिरी लड़ाई है और इस आखिरी लड़ाई में अगर एनएमडीसी प्रबंधन मान लेता है, इनकी मांगों को पूरा कर लेता है तो ठीक है, वरना जो एनएमडीसी के खिलाफ जो 10 पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, जो पंचायत के लोग हैं, अब ये आंदोलन के रूप में निकल जाएंगे और 12 जून को जो एनएमडीसी का मुख्य जो गेट है उसमें ताला जड़ देने की बात कही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। बाजार में फिर डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। पलारी विकास खंड में फिर से डायरिया के नए केस आए हैं। लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत है, 6 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती भी है। डायरिया से 70 साल के बुजुर्ग की कल मौत हो गई थी। 15 दिन पहले ही पलारी ब्लॉक के कई गांवों में डायरिया फैला था। 50 से ज्यादा लोग डायरिया का शिकार हुए थे और लगातार अब भी शिकार हो रहे हैं। एक की कल मौत भी हुई थी। बिलासपुर में जल संकट से लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 2 के लोग 2 महीने से परेशान हैं। बोरिंग मशीन खराब होने से परेशानी हो रही है। शिकायत के बाद भी अधिकारी यहां पर सुध नहीं ले रहे। तो जल संकट से लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं जहां पर लोग 2 महीने से परेशान हैं। बोरिंग मशीन खराब है और इसी वजह से लगातार पानी की किल्लत यहां पर हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, जल संकट से बिलासपुर वासी जूझ रहे हैं, आखिर ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है और क्या कहना है जिम्मेदारों का? एक तो भीषण गर्मी और दूसरा पानी जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बाधित है। बिलासपुर नगर निगम के जो सिरगिट्टी वार्ड क्रमांक 12 है वहां पर पिछले 2 माह से बोरिंग मशीन खराब है, जिसको लेकर जो वहां के स्थानीय लोगों ने जोन कार्यालय में जाकर शिकायत देखी। हालांकि जोन कार्यालय में शिकायत जब भी वो करने गए तो उनको उचित एक जवाब दे टाइप उनको उचित जवाब नहीं मिला और अब तक के जो बोरिंग मशीन है वो ठीक नहीं कराई गई, जिसकी वजह से जो रहवासी है वहां की महिलाएं हैं वो पानी के लिए त्राहिमाम करती हुई आज फिर से कार्यालय पहुंची और वहां पर धरना प्रदर्शन किया, धरने पर बैठ गई। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां मौके पर पहुंची ना तो कोई अधिकारी वहां मौजूद था, ना तो जिम्मेदार वहां पर अधिकारी उनसे कोई बात करने वाला था, लिहाजा उनका गुस्सा फूटा और वो वहीं धरने पर बैठ गई और मांग करने लगी कि जब तक कि उनको पानी सप्लाई नहीं होगी वहां से नहीं उठेंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो निगम कमिश्नर है उन्होंने संज्ञान में लिया है और तत्काल वहां पर वाटर सप्लाई व्यवस्थित रूप से सप्लाई की जाने की बात कही है। फिलहाल देखना यह होगा कि पिछले 2 महीने से जूझ रहे लोगों को क्या पानी सप्लाई आने वाले कल या आज शाम से मिलने लगेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोगों को तालाब का पानी निस्तारी के लिए उपयोग करना पड़ा तो कहीं ना कहीं जल जल्दी बीमारी का खतरा उन पर मंडरा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कमिश्नर एक्शन लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश। कोरबा में भालू का ग्रामीण पर हमला।